बसमर रही बी एस उर्दू सिकस्थ सेमेस्टर शमा और शायर की तशरी हम कर रहे हैं और आज इनका आखिरी बंद यानी कि ग्यारहवा बंद पेश करेंगे जिसमें कि वो मुस्लिम मुस्लिम उम्मत को उम्मीद दिला रहे हैं कहते हैं आसमा होगा शहर की इनके नूर से आई पोश और जुलमत रात की सीमा बपा हो जाएगी इस क़दर होगी तुरन्नम तो आफरी बाद बहार न कहतेदा गुनचे की हवा नबा हो जाएगी आ मिला आ मिलेंगे सीना चाक आने चमन से सीना चाक बज़म गुल की हम नफस बज़म गुल की हम नफस बाद सवा हो जाएगी शबन अफशानी मेरी पैदा करेगी सोजो साल में इस चमन की हर कली हर कली बिरदे बिरदाशना हो जाए दरदाशना हो जाएगी देख लोगे गे सतवते रफ्तार दरिया का माल मौज मुस्तिर ही इसे जंजीर पा हो जाएगी फिर दिलों को याद आ जाएगा प्याम प्याम सजूद फिर जब ये खुश खाके हरम से आशना हो जाएगी नालाय सयाद से होंगे नवासामा आ नवासामा आतूर खून गुलची से कली रंगी कबाह हो जाएगी आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं मैं भी हैरत हूं कि दुनिया से क्या से क्या हो जाएगी शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा होगा तो तोयूर से नगमाए तो ही से अच्छा बंद का जो पहला शेर है इसको देखते हैं क्या इसमें शायर कह रहे हैं कहते हैं कि आसमा होगा शहर के जलवा से आयना पोश शहर के नूर से आयना पोश और रात की सीमा बफा हो जाएगी अब जो कुछ इस बांध में वो बयान करेंगे ना वो दर्द मिलत से है और दर्द मिलत से वो उम्मीद और का नया पैगाम आरजू का नया पैगाम है इसमें पेशेंदोयाँ भी हैं जिनमें कुछ पूरी हो चुकी और खुदा का फजल शाम हाल हुआ तो उम्मीद है बाकी भी पूरी हो जाएंगी इन्हीं पे, इन्हीं पेश गोयों को वह तकदीर का जलवा करार देते हैं तुरन्नम आफरीन यानी नगमे पैदा करने वाली सीनाए चाक जिन के सीने फटे हुए हैं और ये आसमान आसमान मुसलमानों के बारे में बता रहा है कि किस तरह से ये एक अला तरीन मुकाम पर थे अब वो नहीं रहे तो अब फिर उसकी उम्मीद वो इसमें दिला रहे हैं शे, शेर नंबर एक आसमां होगा शहर के नूर से आई पोश और रात की सीमा वपा हो जाएगी कहते हैं कि जो सुबह के नूर से के आईने की तरह जगमगाने लगेगा सुबह नूर आसमान नूर के जो रोशनी है सुबह नूर से चम के आईने से जगमगाने लगेगा ऐसा नज़र आएगा कि इसने आईने का लिबास पहन लिया है और रात का अंधेरा पारे की तरह उड़ जाएगा जिस तरह पारा एकदम से पिघल पिघल के एकदम से ख़त्म हो जाता है इसी तरह से वो रात को कह रहे हैं कि रात का जो पह, पहर है वो ख़त्म हो जाएगा तो सुबह को जो उजाला हमारे सामने आएगा वो एक ख़ुशी का और बेहतरीन इसका समा होगा और उम्मीद इसमें हमें नज़र आएगी उम्मीद की रोशनी इस पर जाहिर होगी शेर नंबर दो इस कदर होगी तो रनम आफनी आफ बाद बहार न ख़त ख्वाबीदा गुनचे की नवा हो जाएगी दूसरे शेर में कहते हैं बहार की हवा इस कदर नगमे पैदा करेगी एक कली की गोद में सोई हुई खुशबू भी उसके इस तरह से निवाह बनकर निकलेगी कि चारों तरफ जिस तरह आवाज फैलती है ये भी फैल जाएगी इस तरह से होगा और हमें सब चीज़ें हमारे सामने नजर आएंगी शेर नंबर तीन आ मिलेंगे सीना चाका ने चमन से सीना चाक बजमे गुल की हम नफस बादे शबा हो जाएगी कहते हैं कि बाग का शेर नंबर तीन है बाग के सीने से सीना चाक अपने जैसे सीना चाकों से आ मिलेंगे और बद सिबा फूलों की हमदम बन जाएगी मुराद ये है कि मुसलमान तमाम मुसलमान जमातों में वहदत पैदा हो जाएगी और वो एक दूसरे से मिलकर इस्लाम के मुतलक अपने फरज़ अदा करेंगे शेर नंबर चार है शबन मफशानी मेरी पैदा करेगा करेगी सोजो साज फिर इस चमन की हरकली दर्दाशना हो जाएगी शेर नंबर चार है कि मेरे आंसुओं की जो शबनम है यानी जो मेरे आंसुओं के जो कतरे हैं से सोजो साथ पैदा होगा और इस बाग की हर कली दर्द की लज्जत से आशना हो जाएगी ये उम्मीद दिला रहे हैं कि किस तरह से बाग के बाग में हमें ये बेहतरीन जो चीज़ें थी वो नज़र आएंगी और हमें उम्मीद है कि सब जो कौम है उसमें एक जज्बा उठ जाएगा उठेगा जो कि सब के लिए बेहतरीन होगा शेर नंबर पाँच देख लोगे गे सतवते रफ़्तार दरिया का माल मौजे मुजतर ही इसे जंजीर पा हो जाएगी कहते हैं कि दरिया की रफ़्तार में जो शान शौकत नज़र आती है उसका अंजाम गौर से देख लो ये तो तुम्हारे सामने एक बेकरार मौजे हैं इसके पाओं के लिए जंजीर बन जाएंगी। मतलब यह है कि मुगरबी कौमों की कु्वत और ताकत आज सब जो बेपनाह नजर आती है लेकिन वो जिस अंदाज में चल रही हैं उसका अंजाम तबाही के सिवाय कुछ नहीं है तबाही के सिवाय वो कुछ नहीं है और तुम देख लोगे कि सब जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं और हमारे सामने यही कुछ आ जाएगा किस तरह से कि सतवते रफ्तार उनकी जो हिम्मत और ताकत है वो ख़त्म जो हो जाएगी शेर नंबर नम, शेर नंबर पाँच कहते हैं फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सजूद फिर जब ये खाके हरम से आशना हो जाएगी और ये अंजाम कहते हैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम देख लोगे कि यही मौजें इस दरिया की शान शौकत के सामने हमारे सामने ये वही जंजीर बन जाएंगी इसकी बर्बादी की और उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचा देंगी यही बात अलामा इकबाल ने 1907 में कही थी यानी तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा शमा और शायर जो थी ये जब लिखी गई तो उस वक्त पहली अजीम यूरोप जौर, में जो फिरंगस्तानी कौमों के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई थी और इकबाल ने इसके इससे मुतल हज़र राह भी लिखी थी तो ये अपनी इस पेशनगोई को पूरा होने का इसमें वो जिक्र कर रहे हैं शेर नंबर छः फिर दिलों को याद आ जाएगा पयाम सदूद फिर जब ये खाक खरम से आशना हो जाएगी कि मुसलमानों के दिलों में फिर सजदों का पैगाम ज़िंदा हो जाएगा और उनकी पेशानियां दोबारा काबे के खाक पर क़बे की खाक पर गिरने लगेंगी यानी मुसलमानों में दोबारा इस्लामियत ज़िंदा हो जाएगी शेर नंबर सात नाला ए से होंगे निवासामा गयूर खून कली रंगी कबाह हो जाएगी शेर नंबर जो लोग आज शिकारी होने के दावेदार हैं वो आहो फरियाद में मुबतला हो जाएंगे जिन पर परिंदों को वो शिकार करते थे वो खुशी का गीत गाने लगेंगे और परिंदों को शिकार करते थे फूल चुनने वाले खून की कली खून से कली का लिबास हो जाएगा मुराद ये है कि जाबिर, जालिम नुकमरानी कर रहे हैं जो इस वक्त वो खुद के पादाश में गिरफ्तार हो जाएंगे और हमें आजादी मिल जाएगी शेर नंबर आठ आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी कहते हैं कि जो कुछ आंखों के सामने है वो बयान नहीं किया जा सकता मैं तो हैरानी में गुम हूँ मैं तो हैरान हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी और इससे कैसे कैसे इनकलाब आ जाएंगे क्योंकि ये तो कह सकता हूँ मैं कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से यह चमन मामूर होगा नगमाए तोहैद से कि सूरज का जलवा चमकेगा रात का अंधेरा रात का अंधेरा जो है वो काफूर हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और बाग तोहद के नगमों से बाग़ तो के नगमों से लबरेज हो जाएगा इस कदर शान शौकत उस वक्त होगी ये उन्हें उम्मीद का आखिरी बंद में उम्मीद दिला रहे हैं पहले बंद मुख्तलि इस नज़म में मुख्तलफ मराहल आए हैं पहले शमा की ज़ुबान से फिर शायर की ज़ुबान से और उसके बाद अब ये शायर जो पैगाम है वो दे रहा है कि उम्मीद है कि दुनिया में बेहतरी की सूरत पैदा होगी तो फिर से इस्लाम का जज्बा जाग उठेगा इसलिए परेशानी की बात नहीं है उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है इसलिए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे और इन वो आ रहे हैं और ये वो जंग जंगलस और जंग जो 1912 में से पहले जो जंग हुई थी और उस वक्त जो हालात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये नज़में लिखी हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं इसको लिंक कीजिए शेयर कीजिए कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्याल से नवाजना ना भूलिए शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम ये नज़म ख़त्म हुई अब नेक्स्ट और देखेंगे कि अगले सिलेबस में मैं पेश करना है शुक्रिया अल्लामक